गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट रिवीजन वर्क ऑफ फोर्थ यूनिट टेस्ट सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर क्लास फर्स्ट. फिल इन द ब्लैंक विद हैव और हैज़. यहाँ पे आपको फिल करना हैज़ एंड हैव से. तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि हैज़ का यूज़ कहाँ होता है और हैव का यूज़ कहाँ होता है. तो हैज़ का यूज़ होता है सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर थिंग्स के लिए, ठीक है, सिंगुलर नाउन के लिए. और हैव का यूज़ होता है प्लूरल नाउन्स के लिए, ठीक है, जो एक से ज़्यादा हो. तो देखो, अ इंसेक्ट्स हैज़ 6 लैग, क्योंकि एक इंसेक्ट्स के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे हैज़ आएगा. और वी मतलब होता है हम, यानी बहुत सारे. तो वी के साथ हैव. वी हैव सम डॉग्स इन द हाउस. डॉग्स यानी बहुत सारे डॉग्स की बात हो रही है ना, एक से ज़्यादा, तो हैव यूज़ होगा. आई के साथ हैव आता है. आई हैव वाटर आफ्टर मील. अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स. और शी के साथ हैज़. शी हैज़ अ रेड रोज. टेक द राइट ऑप्शन. ही इज़ अ एन आर्टिस्ट. आपको राइट ऑप्शन पर टिक करना है. अब आर्टिस्ट यानी कि ये स्टार्ट किससे है, वर्ड ए यानी वॉवल है, तो वॉवल से पहले ए एन आता है, ठीक है. ही इज़ अ एन इंजीनियर. ये भी ई भी वॉवल है तो यहाँ पे भी ए एन होगा. वी प्ले इन अ या एन पार्क. पार्क ये कॉन्सोनेंट्स है तो यहाँ पर ए पे टिक करेंगे हम. आई हैव अ या एन येलो फ्रॉक. येलो वाई यानी कि ये भी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे भी हम ए पे टिक करेंगे. ओके okay?